बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली नन्ही सी कली मेरी लाडली सूर्या ने वो गिफ्ट खोला और अपने हाथों से मुझे ये नेकलेस पहनाया वाव सो स्वीट यार असली सोने का लगता है ये गिफ्ट नहीं है ये एटम बॉम्ब है वो नेकलेस हमें इसी वक्त वहां से निकालना होगा हाँ गुल्लू इसी वक्त निकालना होगा मैंने बहाने से कमरे में जाके ना अलमारी को लॉक कर दिया उसकी चाबी पकड़ और जल्द से जल्द उस नेकलेस को वहां से हटा दे अब देखिए आगे फटाफट से नेकलेस निकाल ले सारी औरतें अपने अपने काम पे लगी हुई है यार थोड़ा ना चुप रहकर हर वक्त ना अपनी रनिंग कमेंट्री मत दिया कर जल्दी कर क्या कर रहा है यही रखा था ना गुड्डी ने हाँ हाँ कल गुड्डी ने तेरे और मेरे सामने यही रखा था ना हार और उसके बाद तो अलमारी लॉक्ड है यार तो हार कहां से आ सकता है मेरे से बकवास मत कर मैंने अच्छी तरह चेक किया है यहां पर नेकलेस नहीं है ठीक है बोल इधर ऊपर की तरफ ढूंढते जिस चीज को तुम दोनों ढूंढ रहे हो ना वो यहां मेरे पास है मिक्की तुम लोग शायद ये भूल गए कि इस घर के हर ताले की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है इस हार से जुड़ी हर सच्चाई को मैं जानना चाहती हूँ अभी इसी वक्त कहाँ से आया इतना महंगा हार बोलो गुड्डी के पास कहाँ से आया ये हार किसने दिया उसे ये सोने का हार कौन है वो कौन है वो कौन है वो मैं जानती हूं गुल्लू तुम दोनों उस शख्स को जरूर जानते हो मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए इस तरह सर नीचा करने से तेरी जान नहीं छूटने वाली है मुझे तो आज बड़ी शर्म आ रही है ये सोचकर कि तू मेरा बेटा है एक अमीर ज़ादा तुम्हारी छोटी बहन को वरगला रहा है और तुम दोनों उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रहे हो मम्मी जी मैंने आपके हर सवाल का जवाब दे देना लेकिन इस वक्त नहीं सही वक्त आने पर मैंने खुद आपको सब कुछ सच सच बता देना मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए मैं मिक्की या गुड्डी कोई भी किसी भी किस्म का
गलत काम नहीं कर रहे हैं। और आज के बाद प्लीज कभी मत कहना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। के बैग से ये हार निकलना, तुम तीनों का घबराकर इसे अलमारी में छिपाना और फिर चोरी छिपे इसे निकालकर वापस उस लड़के को देने की कोशिश करना। ये सब काम ठीक है क्या? इसीलिए मैं तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। एक तो हमारे घर इतना बड़ा नहीं है, ऊपर से मम्मी जी अक्सर मेरी अलमारी में कपड़े सेट करती रहती है। मैंने सोचा था कि मैं नीचे वाले खाने में रख देती हूँ, पता नहीं ये मरजाना बर्तन वाला कहाँ से टपक गया। Take it easy, गुट्टी। गुल्लू और मिक्की नेकलेस लेके आएंगे ना, तो मैं उसे अपने बैंक के लॉकर में बतौर तुम्हारी अमानत रखवा दूंगा। वैसे I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें बहुत टेंशन हो गई। नहीं नहीं सूर्य, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरे घर पे कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, प्राइवेसी नाम की तो जैसी कोई चीज ही नहीं है। गुड्डी, जॉइंट फैमिलीज में अक्सर ऐसा ही होता है। मेरे तीन मामा हैं, तीनों साथ में रहते हैं। उनके यहाँ भी बिल्कुल तुम्हारे घर जैसा ही माहौल है। वहाँ भी कोई भी कभी भी कहीं भी अचानक धमक पड़ता है। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन मेरे ननिहाल में मुझे मज़ा बड़ा आता है। अच्छा हाँ, जॉइंट फैमिलीज के फायदे तो बहुत हैं, पर वही है ना, प्राइवेसी नहीं। गुड्डी, जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम अपने पति के साथ अपने मायके जाओगी, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें और तुम्हारे पति को जरूरत से ज्यादा प्राइवेसी देंगे। अच्छा। वो तुम दोनों को बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, देखना। ए मिस्टर, मैं उस प्राइवेसी की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप किस प्राइवेसी की बात कर रही हैं? मारूंगी। पर जाई जी, आपका अंदाजा ठीक है, ये हार 70-80 हजार का तो होगा ही। और अगर ये गिफ्ट किसी लड़के ने गुड्डी को दिया है तो मामला सीरियस है। शानी, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि गुल्लू और मिक्की ने सब कुछ जानते हुए भी गुड्डी को रोका क्यों नहीं। पर जाई जी, मुझे तो लगता है गुड्डी के कॉलेज से जो उस लड़की का फोन आया था ना, वो सच बोल रही थी। हाँ शानी, मुझे तो दलजीत की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर उसे सब कुछ पता चलना है तो उसने तो एकदम बेकाब हो जाना है ना। पर जाय जी, ये बात आप दलजीत से हरगिज नहीं बताना, क्योंकि दलजीत को सिर्फ बेकाबू ही नहीं हो जाना है, बल्कि सुखे से भी ये बात नहीं छुपानी है। और जब ये बात सुखदेव को पता चलनी है ना, तो उसे तो पूरा आसमान ही सर पे उठा लेना है। शानी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। भाई गुरु, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तब तो दलजीत और सुखदेव ने पूछना है कि परजाई जी, आपको सब कुछ पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? परजाई जी, आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना।
मैंने आज ही गुड्डी से सारी बात करनी है, और हाँ गुल्लू और मिक्की से भी पूरी सच्चाई उगलवा लेनी है। एक बार सारी सच्चाई पता चल गई ना, फिर हमें ये डिसाइड करना है कि दलजीत को ये बात बताने लायक है या नहीं। और ये हार भी ना जल्दी से कहीं छुपा देते हैं, नहीं तो दलजीत कौन है? खानदान की खासियत है, इस खन्ना खानदान में कोई किसी से कोई बात नहीं छुपाता। इस खन्ना खानदान की बुनियाद इसी विश्वास पे टिकी है ना? और आज मेरे को यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ परजाई जी, कि मेरी दोनों जेठानियां जिन्हें मैं बहने कम और सहेलियां ज्यादा समझती हूँ, मेरे से ही वो बात छुपाने की साजिश कर रही है जो मेरी बेटी के बारे में। नहीं दलजीत, हम ये बात तेरे से सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते थे कि तेरे को ये सब वाहियात बातें जानकर दुख ना हो। हाँ, और दलजीत अभी तो हमें सारी सच्चाई का पता ही नहीं है, हो सकता हो ये हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। परजाई जी, ये 70-80 हजार का हार गुड्डी के बैग से मिला है। गुड्डी के बैग से? गुल्लू और मिकी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने भी गुड्डी की जिंदगी में किसी अमीर लड़के के होने की बात से इनकार नहीं किया। फिर भी आप अपने आप को और मेरे को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। परजाई जी, आप हमेशा मेरे को बहमी और शक्की कहते थे ना, आज आप मुझे बताओ, क्या इनका ये मानना कि गुड्डी झूठ बोलना सीख गई है गलत था, या मेरा गुड्डी पे शक करना गलत था? परजाई जी, गुड्डी मेरी बेटी है, मेरी बेटी। मैंने लगातार उसमें आते हुए बदलाव को देखा है, उसके झूठ को महसूस किया है मैंने परजाई जी, पर आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी, और आज भी आप दोनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे से ये बात छुपाकर उससे बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं परजाई जी, ये बात छुपाकर आप गुड्डी का भला नहीं उसका बुरा कर रही हो, उसकी इस बेशर्मी में उसका साथ दे रहे हो परजाई जी, उसका साथ दे रहे हो आप। वाहेगुरु, सब ठीक करना। कहाँ है यार, कहाँ है वो दोनों नमूने, क्यों नहीं आया अभी तक नेकलेस लेकर? गुड्डी एक काम करो, गुल्लू को फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ है। रहने दो, वो आ गया। कहाँ रह गया था, कहाँ है वो नेकलेस? गुड्डी, वो नेकलेस मम्मी जी के हाथ लग गया। कर रहा तू? मुझे लगता है मम्मी जी ने वो नेकलेस पहले ही देख लिया। और हमारी अलमारी में उस नेकलेस को छुपाने वाली बात भी उन्होंने सुन ली। हाय रब्बा, अब क्या होगा? मैं ताई जी को क्या जवाब दूंगी? मम्मी जी बहुत ज्यादा गुस्से में थी,
बार बार मुझसे एक ही बात पूछ रही थी कि गुड्डी को इतना महंगा नेकलेस किसने दिया। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये नेकलेस गुड्डी को किसी लड़के ने दिया। मेरे ना जवाब देने पर उन्होंने आज मुझे एक थप्पड़। देखो, मैं इसलिए वो तुमसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। जो होना था वो हो गया, अब ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? आगे सब कुछ खत्म। गुड्डी, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। कहना क्या चाहते सूरज? गुल्लू, अब वो वक्त आ गया है जब गुड्डी ताई जी को बता दे कि उसे एक लड़के से प्यार है। पागल हो गए हो क्या सूर्या? कैसी बातें कर रहे हो? सूर्या, तुम्हें हमारे घर के हालात पता भी नहीं। अगर ये बात घर में पता चल गई ना तो बवाल मच जाना। और सुखे चाची, उन्हें तो अगर इस बात की भनक भी लग गई ना तो उन्होंने गुड्डी का कॉलेज आना जाना ही बंद करवा देना। हमें कुछ और ही सोचना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुड्डी, कभी ना कभी ये दिन तो आना ही था ना। देखो, तुम ताई जी को बता दो कि तुम्हें एक लड़के से प्यार है और उसी लड़के ने तुम्हें ये नेकलेस दिया। ताई जी थोड़ा नाराज होंगे, गुस्सा भी होंगे, तुम्हें डांटेंगे, लेकिन एक दिन उन्हें तुम्हारे प्यार पर गौर करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। दलजीत, अपने पर काबू रख। देख, सुखदेव के आने का वक्त हो गया है। हमने तेरे से वादा किया है ना, हमने गुट्टी से बात करनी है। अब बात करके क्या फायदा? बात करने से सच्चाई बदल तो नहीं जानी है ना? ये क्या कर दिया गुड्डी ने? क्या कर दिया? कैसे भूल गई वो कि वो किस खानदान की बेटी है? कैसे भूल गई वो कि उसकी इस हरकत ने उसके बाप को जीते जी सूली पे चढ़ा देना है? कैसे भूल गई वो? कैसे भूल गई? अभी उम्र ही क्या है उसकी, अपना भला बुरा समझने की तमीज नहीं है उसमें। और ये क्यों नहीं समझती वो कि वो लड़का उसे सोने का हार देकर अपनी जान में फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं समझती वो? क्यों? और ये गुल्लू और मिकी, वो भी अपनी बहन की इस ओछी हरकत में उसका साथ दे रहे, उसे समझाने के लिए। दलजीत, मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? बस करना, संभाल अपने आप को। इसको पहले भी समझाया था कि अब हमें कोई भी बेवकूफी नहीं करनी, ले आई फिर भी गिफ्ट उठा के, और तेरे वो गिफ्ट ने ना अब हमारा सारा काम तमाम कर दिया। अब तुझे हो गई तसल्ली? तेरा ये डांटना फटकारना बाद में भी हो सकता है ना यार। फिलहाल सिर्फ तू ये सोच कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिले। अरे नहीं है ना मेरे पास। देख गुल्लू, अभी तक घर की औरतों को ये नहीं पता चला कि हम घर में हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो उन्होंने हमारी क्लास लगा देनी है। ऊपर से सुखे चाचू का भी आने का टाइम हो गया यार। प्लीज गुल्लू, कुछ सोच। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी जान दे दूं। सुनी तूने इसकी बात? इस बेवकूफ की बात सुनी तूने? इसका ना एक ही तरीका है,
बस पहले पंगे लो और उसके बाद जब फंस जाओ तो भाग लो वहां से। इसको बचाने की बात कर रहा हूं। गुड्डी प्लीज यार, ये रोना धोना बंद कर यार प्लीज। सॉरी अड्डी कह रहा था कि गलती मैंने करी है ना, अब इसकी सजा मैं ही भुगतूंगी। गुड्डी देख, गुड्डी तू अपने साथ हम दोनों को भी मरवा देगी। तू फिलहाल सिर्फ इतना सोच, कोई बहाना सोच जिससे बाकी सबको तेरे पे यकीन आ जाए। अरे कोई बहाना काम नहीं करेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भुगतना पड़ेगा। ये सिचुएशन आनी थी, आ गई आज वो सिचुएशन, मुझे फेस करनी पड़ेगी। अब मिक्की कोई बहाना काम नहीं करेगा। तूने मुझे इसमें घसीटा ना, मैंने तुझे कहा था मुझे इस मामले से बाहर रख, पर तूने मेरी एक ना सुनी। बुज़दिल मत बन, इसे कबूल करना है ना आज, तो चलो चलते हैं नीचे, आज देखा जाएगा कि क्या होता है। विक्की तूने बस चुपचाप मेरे साथ खड़े रहना।